अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी 9th क्लास के पाकिस्तान स्टडीज का गेस्ट पेपर फॉर 2023 फॉर ऑल पंजाब बोर्ड। सो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड में, तो आप इनकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 to 6 ही एक चैप्टर में से इंक्लूड करने की कोशिश की है। ओके, तो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है मैंने ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझिए और उर्दू मीडियम वाले उर्दू में। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करें। नंबर 2, डिफाइन अकीदा रिसालत की तारीफ करें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड कायदे आजम से व्हेन ही इनॉगरेटेड द स्टेट बैंक ऑन जुलाई 1, 1948। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कायदे आजम ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया था। सो ये तो आएगा इंशाल्लाह पेपर में। सो नेक्स्ट है, व्हेन एंड हु रिलीज द फेमस पंपलेट इंटाइटल्ड नाउ और नेवर, अब या फिर कभी नहीं के नाम से किताबचा किसने जारी किया। देन नंबर 5th है, हु सजेस्ट द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड व्हेन, पाकिस्तान का नाम किसने और कब तजवीज किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चौधरी अहमद अली ने किया था जब वो लंदन में थे। सो आप इसको ओवरऑल कंप्लीट पढ़िएगा थोड़ी सी और डिटेल। कम से कम दो दो नंबर का जो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, आप उसका इतना तो आंसर दे कि कम से कम 2.5 लाइन्स, मतलब 2.5 लाइनें तो हो जिसमें आपका कंप्लीट आंसर हो। सो डिफाइन अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। तो ये 6th है, नॉट 5th, इट्स अ 6th क्वेश्चन, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। सो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एक तो जरूर आएगा, क्योंकि आपके पेपर पेयरिंग स्कीम में है कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इन दोनों में से चांसेस बहुत ज्यादा है कि कोई भी आ जाए। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, नजरिया के माखज और अहमियत वाजिया करें। और नंबर 2 इज, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, इसके ज्यादा चांसेस है, नजरिया पाकिस्तान और उसके अनासिर की तफसील से वजाहत करें। सो लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट फैक्टर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के क्याम के पस मंजर में क्या मुहर्रिकात शामिल थे, मीन्स के मुस्लिम लीग को क्यों बनाया गया, उसकी वजूहत आपने बयान करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तहरीके अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें, मतलब क्यों शुरू की गई थी तहरीके अलीगढ़। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तहरीके मुजाहिदीन, देयर इज एन आई हैव फॉरगॉटन टू राइट। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ तहरीके मुजाहिदीन, तहरीके मुजाहिदीन के बानी कौन थे, मीन्स के किसने जो थी बनाई थी मुजाहिदीन की तहरीक, इसको कहते हैं तहरीके मुजाहिदीन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट एंड व्हेन डिड इट हैपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिसाके लखनऊ क्या था और कब वाकया हुआ, कहाँ वाकया हुआ, ये भी पूछ सकते हैं, मुआहिदा लखनऊ कहें या मिसाके लखनऊ कहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, के तहरीके खिलाफत जो हमने बनाई थी जो शुरू की थी उसके मकासद क्या है। ठीक है, तो मकासद बयान करनी है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 मकासद है, वो आपने सारे लिखने हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 लिख दिए और नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, तो कंप्लीट लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एट अलाहाबाद एड्रेस 1930। अल्लामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद 1930 में क्या फरमाया। ओके सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि खुतबा अलाहाबाद किसने दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया, कब दिया, 1930, 1930 में दिया। ओके, सो इसके इम्पोर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा 8 मार्क्स का, तो आपने इन दोनों में से इन दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आपके अच्छे से जो है कोई भी क्वेश्चन आए इन दोनों में से तो आप उसको सॉल्व कर ले। डिस्कस द अर्ली प्रॉब्लम्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्या मैं पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात लिखे, वेरी वेरी फेमस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, कायदे आजम के 14 नकात बयान करें। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का महले वकूफ बयान करें, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेज जंगलात के 2 फवायद तहरीर करें। देन है, नेम द टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखें। वायदा पंजाब, इस काल पंजाब, सूबा पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए, वैसे सूबा पंजाब में रहते हैं तो पंजाब क्यों कहते हैं, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन है और ये आ सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट है, डिफाइन ग्लेशियर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की तारीफ करें और ग्लेशियर की अहमियत बयान करें, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन इट्स सिग्निफिकेंस। पहले शॉर्ट में था, अब लॉन्ग में आ गया कि पाकिस्तान के महले वकूफ बयान करें और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें कि पाकिस्तान जो इस दुनिया में है जिस जगह पे वो क्यों अपनी जगह पे होने के लिहाज से अहमियत कहाँ मिला, क्यों पाकिस्तान को फायदा है। ओके सो एक्सप्लेन द कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नहरी निजाम पर रोशनी डालें। पाकिस्तान में जो नहरी निजाम है उसके बारे में आपने लिखना होगा। सो लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ अ आया ऑफ द होली कुरान। इट्स मीन्स कुरान पाक की आयात की रोशनी में औरतों के हकूक बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ टू वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान में शामिल सिर्फ दो खवातीन के नाम लिखें। तो आपने जरूर याद कर लेने हैं कि जब पाकिस्तान बनने की तहरीक थी तो कौन सी ऐसी दो खवातीन थी जो के पेश पेश थी। ओके व्हाट इज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इन पंजाब, पंजाब में लड़के और लड़की की शादी की कानूनी उम्र क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन व्हाट नंबर्स यू कैन मेक कंप्लेंट्स अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, खवातीन पर तशद्दुद की शिकायत आप किन नंबर्स पर कर सकते हैं जो हुकूमत ने दिए हैं। ओके सो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी, ओनली वन लॉन्ग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हकूक बयान करें। सो दीज वर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, आप इनको या तो कहीं लिख लें या फिर आप अपनी बुक के ऊपर इसको मार्कआउट कर लें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा 99% चांसेस है कि इसी में से पेपर बने। ओके सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं पेपर पेयरिंग स्कीम भी इसकी अभी अपलोड कर दूंगी। ओके सो आप वो भी वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो। ओके अल्लाह हाफिज़।